सो गाइज दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो कल मैं पहुंचा था द्वाराहाट, आज हमारे परम मित्र हैं पांडे जी, थोड़ा इनसे मुलाकात भी करनी थी और फिर इनके साथ मैंने बोला कि कहीं आसपास कहीं घुमा दो, तो बाइक इन्हीं की दुकान पर खड़ी कर दी है। तो इनके साथ अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे द्वाराहाट से थोड़ा आगे चकुटिया है, चकुटिया के बीच में एक डेस्टिनेशन है, काफ़ी खूबसूरत है। कौन सा ताल बताया आपने? तड़क ताल। कोई तड़क ताल है, बताते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है। तो अभी ये और मैं वहीं जा रहे हैं, थोड़ा आपको वहाँ का गांव का परिवेश वगैरह दिखाते हैं और तड़क ताल की जो खूबसूरती आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं वहाँ का रास्ता। द्वाराहाट से करीब कितने किलोमीटर है? द्वाराहाट से है 28 किलोमीटर है करीब द्वाराहाट से, और यहाँ से इनके मतलब घर से, इनका घर से करीब आपके 18 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलते हैं तड़क ताल की। यहाँ से बद्रीनाथ 206 किलोमीटर है करीब, और 262 ये रोड बद्रीनाथ को चलेगी। हम यहाँ से घूमेंगे तड़क ताल। यहाँ से महल चौरी है 28 किलोमीटर, गैरसैन 50 किलोमीटर, बछुआ बाण 16 किलोमीटर, गंगानगर कुछ। तो यहाँ से हम गैरसैन भी जा सकते हैं इसी रास्ते पे आके। तो आप कभी बद्रीनाथ को जाना है आपको या कर्णप्रयाग को जाना है तो आप इसी रास्ते में तड़क ताल घूम। बरसात का मौसम है इसलिए पानी है, और आप सामने का व्यू देखो काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी देखो डेस्टिनेशन कितनी खूबसूरत रहेगी अगर शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे तो आप देखो अद्भुत नज़ारा इस वैली का, पूरा पूरे इलाके में धान की खेती हो रही है और रोपाई चल रही है। रोपाई के लिए मेरे को आपको दूसरा कैमरा दिखाना पड़ेगा, एक मिनट है जूम करके दिखाता हूँ। तो वो लोग गाना भी गा रहे हैं साथ साथ में और रोपाई भी कर रहे हैं नीचे पूरे खेत पे। ये देखो पूरी धान की रोपाई चल रही है। ये है पूरा आपका चकुटिया का एक गांव जो काफ़ी खूबसूरत है। वो लोग कोई गाना भी गा रहे हैं, मुझे आवाज़ यहाँ तक आनी थी लेकिन गा रहे हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। आवाज़ अगर तेज आती तो गाना भी आपको सुनाई देता।
तो आप सामने देखिए वह पूरा तड़कताल है। अभी पानी बरसात कम हुई है इसलिए भरा हुआ नहीं है, लेकिन अभी यहीं से हम लोग जाएंगे तो ये पूरा करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है। अभी आने वाले टाइम पे यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है कोई तड़कताल का, तो प्रोजेक्ट जो होगा उसमें ये पूरा डैम बन जाएगा बहुत बड़ा। तो ऊपर कहीं पर है पांडेखोली, वहाँ पे तो बताते हैं कि तड़कताल में भीम अपनी गदा धोने के लिए और अपनी खतरी धोने के लिए तड़कताल आता था। वो भी सिर्फ 3 स्टेप वो लेता था अपने पाँव से और यहाँ तड़कताल पहुँचता था। अभी मैं आपको थोड़ा नज़ारा और आगे का दिखाता हूँ इसके बाद, क्योंकि ये दिखाता हूँ आपको कितना बड़ा है। ये भी आप मैं दिखा रहा हूँ लास्ट जो पोर्शन है, जो ये इतना पूरा आपको गाँव दिखाई दे रहा है, ये आधा डूब जाता है इसमें, तो लोग कहीं और स्थापित हो जाते हैं ऐसा मेरे को बताया किसी ने। लेकिन आने वाले टाइम पे पूरा भरा रहेगा क्योंकि इसमें एक प्रोजेक्ट चलने वाला है बहुत बड़ा। तो यहाँ से बता रहे हैं कि यहाँ से गुफा आएगी। हम लोग अभी पांडे जी गाइड बन रखे हैं, गाँव वालों से बात करी, बोला कि थोड़ा ताल का भी अच्छा ढंग से दिख जाए। तो हम लोग यहाँ से ये गुफा है, गुफा को पार करके आना पड़ेगा कहीं? नहीं, गुफा को नहीं आ जाए। अच्छा, तो इसके अंदर गुफा है, पूरी धुनी लगी हुई है मतलब वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं ऊपर मंदिर में, फिर इसके बाद एक मंदिर और है। अभी फिलहाल यहाँ पे एक मंदिर है। यह पूरा मंदिर है, और एक मंदिर सामने उधर पे, और ये पूरा है तड़कताल। करीब 2.5 किलोमीटर लंबा है करीब, अभी हमने डिस्टेंस ट्रैवल की थी वहाँ से लेके यहाँ तक। और बरसातों के टाइम पे ये पूरा का पूरा भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा। तो ये था पूरा तड़कताल, में आपको मैंने जो दिखाया था। तो ये है आपके चकुटिया दौराहाट के बीच में एक गांव है खीड़ा, खीड़ा के पास में ये है तड़कताल। यहाँ पर लगता है एक मेला, वो है आपके दिसंबर में लगता है तड़कताल मेला। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये आप बहुत खूबसूरत मंदिर है, इधर आगे सामने वहाँ पे वो मेला लगता है, और ये एक मंदिर ये है यहाँ पे। तो ये पूरा व्यू है, आप देखिए तड़कताल का। ऊपर कहीं से ये सारी नदियाँ आती हैं, 5 जगहों से 5 नदी आके इस तड़कताल को बनाती हैं, क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे हैं गैप है पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ से नदियाँ आके इसको पूरा फिल करती हैं। अभी ये धीरे धीरे फिल होने लग गया है और अगस्त तक ये पूरा। उम्मीद थी कि पानी भरा होगा, लेकिन पानी इतना भरा था नहीं। पानी है, नदी है नीचे, लेकिन पानी से भरा नहीं था, तो थोड़ा ऐसा व्यू उतना अच्छा लगा नहीं। लेकिन अभी जब ये बरसातों में भरता है तो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। ये था आपका तड़कताल जो आता है दौराहाट और चकुटिया के बीच में, एक छोटा सा गांव है खीड़ा, खीड़ा के पास में ये तड़कताल है और काफ़ी फेमस है अपने, मतलब जैसे यहाँ पानी है आप मेरे पीछे देखिए, पूरा का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है। मैंने आपको 2 व्यू दिखाई दे, तीसरा व्यू याला है इसका, पीछे बैक में आपको दिखाता हूँ। अभी इस गाड़ी को जाने दीजिए एक बार। हाँ, तो ये देखिए पूरा का पूरा व्यू उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग प्रिकॉशन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि गांव वाले सोचते हैं कि कहीं बाहर से तो नहीं आया है, कैमरे में है, क्योंकि हम लोग को पता ही आपको। तो इस चक्कर हम गाड़ी से नीचे तो नहीं रहे कहीं पे, ऐसा ना गांव वालों से मैं आपको बात करके दिखाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।